पहले तो हमारे पास डेयरी थी जी पशुओं की जी, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं थी जी, हर चीज़ महंगी थी, हाँ खर्चा ज़्यादा था, लेबर डटती नहीं थी जी। अंडा किस रेट का आप सेल कर रहे हो? लोकल में 33 रुपये के देते हैं और बाज़ार में देते हैं 25 रुपये का एक। मुनाफा तो जी करीब 2-2.5 लाख रुपये का अंडा दे दिया हमने और ये आज 8-9 लाख रुपये के नग भी हमारे पास तैयार हैं। मुर्गी भी 1000 रुपये की और मुर्गा भी 2.5 किलो का मुर्गा 1000 रुपये का और मुर्गी अंडा देने वाली भी 1000 रुपये की। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले सर अपना नाम और पता बताएं सर। संदीप नामा जी, गांव गोपड़वास, जिला चरखी दादरी, जिला भिवानी। तो संदीप भाई आप क्या करते हैं? पहले तो हमारे पास डेयरी थी जी जी, पशुओं की जी, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं थी जी, हर चीज़ महंगी थी, हाँ खर्चा ज़्यादा था, लेबर डटती नहीं थी जी, इसकी वजह से हमने ये फार्म वाला काम चालू कर दी। देसी मुर्गी फार्म आपने खोल दिया? हाँ देसी मुर्गी है जी, टैनी। अच्छा। हाँ जी, प्योर देसी। तो आपने कब स्टार्ट करा सर ये? हमने जी 6-7 महीने हो गए जी। अच्छा अच्छा, कितनी बड़ी से शुरुआत करी? हमने 233 नगों से शुरू करी जी, हमारे पास अब करीब 1500 नग है जी। तो मुर्गी पालन का विचार आपको कैसा आया? काम तो और भी हैं, पहले आपने डेयरी करी थी, क्या आपको अच्छा लगा मुर्गी पालन में? मुर्गी पालन सबसे अच्छा जी, इसमें खर्चा भी कम है, फ्री रेंज घुमाएं तो, और खपात भी कम है जी। कौन सी वैरायटी आपकी है? ये देसी प्योर टैनी। कितना खर्चा आपने आया आपको इसको बनाने में, फार्म को? खर्चा आया जी करीब 2.5 लाख रुपये जी, इसमें फार्म के भी और ये नग भी। आपने जो रखे हैं ये अंडे के लिए रखे हैं, मीट के लिए? दोनों के लिए रखे हैं जी, अंडे भी सेल करते हैं और मीट के लिए भी जी। तो सर आपको डर नहीं लगा जब आपने फार्म में 2-2.5 लाख रुपये लगा दिए? नहीं, कोई तजुर्बा नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे आपने मन बना लिया? डर नहीं लगा जी, हमें तो जी प्रॉफिट बढ़िया है। अंडा किस रेट का आप सेल कर रहे हो? लोकल में 33 रुपये के देते हैं और बाज़ार में देते हैं 25 रुपये का एक। मार्केट आपने कैसे बनाई? मार्केट बड़ी समस्या है, चुनौती है। मार्केट तो यहाँ जी लोकल में पता हो गया जी, यहाँ फार्म है उसकी वजह से लोग आते गए। और कैसे आपने मार्केट बनाई? और तो जी एक दूसरे को पता चलता गया और मार्केट बनती गई जी। मुनाफा कितना हो जाता है आपको? मुनाफा तो जी करीब 2-2.5 लाख रुपये का अंडा दे दिया हमने और ये आज 8-9 लाख रुपये के नग भी हमारे पास तैयार हैं। तो कोई युवा भाई जो है इसको करना चाहता है और डरता है कि मार्केट कैसे बनाएगा, तो क्या आप सलाह देना चाहते हो वो अपनी मार्केट कैसे बनाए? मार्केट तो जी 20-30 मुर्गी से शुरुआत करके और अपना काम शुरू करे, इसमें बढ़िया प्रॉफिट है। एक आदमी काम कर सकता है, चाहे 2000 नग हो चाहे 5000 नग हो, इसमें ना लेबर की ज़रूरत है। तो अगर कोई 50 या अगर कोई 100 मुर्गी उसे स्टार्ट करता है तो कितना खर्चा आएगा? 50-100 मुर्गियों में करीब आएगा फार्म के और इन दोनों नगों के 2-1 लाख रुपये जी। हाँ जी। क्या मुनाफा ले लेगा उससे? उससे करीब महीने के 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमाएगा। लाइव मुर्गा किस रेट का सेल करते हैं? मुर्गी भी 1000 रुपये की और मुर्गा भी 2.5 किलो का मुर्गा 1000 रुपये का और मुर्गी अंडा देने वाली भी 1000 रुपये की। तो सर ये बताइए मंथली कितना मुर्गा और कितना अंडा आप सेल कर लेते हैं? करीब मैं साल में 1000 नग तैयार करके बेचता हूँ और करीब 2.5-3 लाख रुपये का अंडा सेल कर देता हूँ। कोई भाई कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है सर? कैसे अपनी मार्केट बनाए, कितने बड़े से उसको शुरुआत करना चाहिए, कम क्या से उसे मुनाफा ले सकता है? कम से कम 50 वर्ड से तो करे जी शुरुआत जी। कितना उसको मुनाफा आ जाएगा? उसको मुनाफा करीब 30-35 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेगा और खुद का ये नग भी बढ़ा लेगा। क्या आप इनको खिला रहे हो सर? हम ये घर का खाना खिलाते हैं जी, ये गेहूँ बाजरा और करीब पूरे दिन खुले रहते हैं, 2-3 किलो में हमारे चारा बो देते हैं, उसकी वजह से हमारा खर्चा कम आया था। तो फीड ही नहीं खिलाते हो आप? नहीं, फीड नहीं खिलाते जी। क्यों सर, फीड क्यों नहीं खिलाते हो? फीड में बीमार होने का दिक्कत है जी। तो एक मुर्गी की बात करें, मुर्गी की कितना फीड खा लेती है, कितना खर्चा आता है? करीब एक मुर्गे पर 150 रुपये खर्चा आता है और 1000 रुपये का नग बिक जाता है हमारा जी। हाँ जी, फार्म से ही? हाँ फार्म से ही जी। मुर्गी अंडा कब देना स्टार्ट करती है, कब तक देती है सर? करीब बढ़िया मेहनत करने से 5 महीने में अंडा देना शुरू करती है। हाँ हाँ जी। और कब तक देती है वो? 20-21 अंडा देती है गर्मी में और सर्दी में 50-55-60 अंडे भी देती है मौसम के हिसाब से। और सर जब आपने फार्म स्टार्ट किया और आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी? हमें शुरू में तो जी बस 15-20 दिन समस्या आई, कोई मुर्गी छोटे चूजे को मार देती थी और वो समस्या भी हमने हल कर ली जी। वैसे कोई मार्केटिंग की समस्या, कोई इस तरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं जी। बीमारियों की बात करें तो सर बीमारी इनमें क्या क्या आ रही हैं? बीमारी तो कुछ भी नहीं आती जी इनमें, प्योर देसी में बीमारी आएगी नहीं जी।
तो सर आपने जब स्टार्ट किया तो कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने ली थी इसकी या ऐसे ही स्टार्ट कर दिया? ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था जी। ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर इसमें, जो युवा हैं जो उसको स्टार्ट करना चाहते हैं और ट्रेनिंग को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? कुछ तो अब जी लेनी चाहिए, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। 5-7-10 दिन तो ट्रेनिंग लेना चाहिए जी। आपके फार्म का क्या एरिया है सर ये? ये करीब 2 किलो में जी। 2 किलो में फार्म है? हाँ जी। मैं देख रहा हूँ सर आपने बाउंड्री लगा रखी है इसमें, जाली लगा रखी है। हाँ जी। इसका क्या मतलब है सर? इसका जी बाहर से कोई कुत्ता बिल्ली न छुए इनको। हाँ। और ये फ्री रेंज में छोड़ भी देते हैं इसकी वजह से, जाली की वजह से। और एक कैबिन मैं देख रहा हूँ सर, कैबिन आपने क्यों बनाए हुए हैं वो? ये तो जी मुर्गी हमें खुद बच्चे निकलवाते हैं जी। हाँ। इसमें सेवा बैठाते हैं इनमें, और एचरी वो मशीन वगैरह हम नहीं रखते जी। कोई मशीन नहीं रखते? नहीं जी, मुर्गी से बच्चे निकलवाते हैं हम तो देसी तरीके से। हाँ, देसी तरीके से जब ही स्वस्थ रहते हैं जी। और जैसा मैं देख रहा हूँ सर फ्री रेंज में भी आप इसको घुमाते हो? हाँ जी। खुला छोड़ देते हो? खुला छोड़ते हैं जी। कोई पंछी पक्षी कोई इस तरह का आपको डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है। ये जाली आपने लगा रखी है? हाँ, जाली की वजह से जी अंदर तो आएगा नहीं। हाँ। और शाम को इसमें अंदर वाली में और रोक देते हैं, इसमें पक्का व्यवस्था है, और बाहर वाली में दिन में छोड़ते हैं। खाने में आप इनको क्या खिला रहे हो? खाने में गेहूँ और बाजरा बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं जी। जो युवा हैं हमारे बेरोजगार भाई हैं, हाँ जी, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? वो गांव छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अपना टाइम बिता रहे हैं, अपना जो है मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जो पैसा कमा रहे हैं बसता भी नहीं है, बस अपना जिंदगी जिस तरह से वो काट रहे हैं। हाँ जी। उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? उनको ये सलाह देना चाहते हैं जी, कम से कम 1-1.5 लाख रुपये लगाकर हर महीने 20-30 हज़ार रुपये हम खुद की सेल कर सकते हैं, कमा सकते हैं अपनी मेहनत से, एक आदमी न कि घर का दूसरा जी। ये सलाह देना चाहता हूँ जी। जी धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।